अबे यार यहाँ पर कितनी देर हो गई, पर अभी तक मैं बस एक ही मछली पकड़ पाया हूँ। और जरा शिनशान को तो देखो, इसने तो मछलियों का ढेर ही लगा दिया है। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरी बात ही कुछ और है। पता नहीं फ्रैंकलिन भैया आपसे क्या होगा, एक बच्चा भी आपसे ज्यादा मछलियाँ पकड़ रहा है। आप एक काम करो, मेरी जगह पर आकर सो जाओ, मैं आपकी जगह मछलियाँ पकड़ लेता हूँ। पहली बात तो चौप तेरे हाथ है नहीं, तो तू तो मुंह बंद ही रख। वैसे शिनशान मैं क्या बोल रहा था, हम दोनों जगह एक्सचेंज कर ले क्या? अरे ये क्या बकवास कर रही हो, ऐसा सोचना भी मत। मैं तो बोलता हूँ उल्टा मुझसे दूर हो जाओ, वरना आप मेरी भी मछलियाँ पकड़ लोगे। हाँ ठीक है जा रहा हूँ। वैसे भी यहाँ मुझे कौन सी मछली मिल रही थी, पता नहीं खुद को 30 मार खान समझता है। ये आवाज किसकी थी? ओ भाई साहब, ये भालू यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे लगता है ये मछलियों की सुगंध सुन के आया होगा। फ्रैंकलिन भैया ये पूरी आपकी गलती है, ये आइडिया आपका ही था। अरे आइडिया मेरा था तो क्या हुआ, तूने ज्यादा मछलियाँ पकड़ी है, इसको सुगंध वहीं से आई होगी। अरे अभी हम लोग क्या करेंगे? एक मिनट, अभी ये गाड़ी की आवाज कहाँ से आ रही है? ओ भाई साहब, अरे इस भालू का तो आलू बन गया है। चलना छोड़ना शिनशान, कम से कम हमारी तो जान बची। अरे वो भालू बहुत मोटा था, ज्यादा से ज्यादा बेहोश हुआ होगा। ये सब छोड़ो, जिसने भालू को ठोका वो था कौन? जल्दी से आओ तो तुम दोनों, जाकर चेक करते हैं। गाइस एक मिनट, टीवी वुमन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे मैं सबसे पहले तो तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने तुम्हारे भालू को उड़ा दिया। अरे नहीं नहीं सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, उल्टा तुमने हमारी जान बचाई है। ओ ऐसी बात है क्या? अरे वैसे टीवी वुमन तुम्हें देख के तो मुझे फ्रैंकलिन भैया की याद आ गई। तेरे बोलने का मतलब क्या है? हाँ मैं भी कुछ नहीं समझी। अरे ये बिल्कुल तुम्हारी तरह ही ड्राइविंग करते है। हाँ 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 हो गया, तुम इन सबको छोड़ो और ये बताओ कि यहाँ पर क्या कर रही हो। दरअसल मैं तुम्हें ही ढूंढने आई थी। मुझे ढूंढने पर क्यों? क्योंकि टीवी मैन को तुम्हारी जरूरत है, उसने मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। पर क्यों? और एक और बात, अगर उसे हमारे मदद की जरूरत थी तो वो खुद आ जाता ना। नहीं वो अभी बहुत ज्यादा टेंशन में है। कैसा टेंशन, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है चलो फिर चलते हैं। वैसे यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, वो भालू थोड़ी देर में जाग जाएगा। टीवी वुमन बुरा मत मानना, पर मैंने अभी तुम्हारी ड्राइविंग देखी है, तो क्या गाड़ी मैं ही ड्राइव करूँ तो अच्छा रहेगा? अरे हाँ बिल्कुल शौक से। तुम बस रास्ता बताओ, मैं चलाते जाता हूँ। अरे बड़ा ही आसान है, तुम्हें यहाँ से सीधे चलानी है। फ्रैंकलिन भैया सीधे का मतलब रास्ते पर है, पहाड़ में मत घुसा देना। एक तो तुम लोग मुझे अनपढ़ समझना बंद कर दो, तुमसे तो ज्यादा ही दिमाग है, इसलिए तुम उससे कम मछलियाँ पकड़ पा रही थी। ओ भाई मछलियों का दिमाग से क्या लेना देना, वो तो तेरा लक अच्छा था इसलिए। अरे लक नहीं, मेरी टेक्निक अच्छी थी। अरे तुम लोग लड़ना बंद करो, ये देखो मेरा घर आ गया है। अरे जरा सामने, ओ भाई साहब सॉरी। अरे क्या सॉरी, गड़बड़ पे गड़बड़ कर रही हो। शिनशान बच्चा है तो बच्चा रहा, मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं है। गाइस यार सुबह से दिन अच्छा जा नहीं रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। वैसे ये घर टीवी मैन ने कब लिया? वो ये रहा। अच्छा हुआ टीवी मैन तुम मुझे यही पर मिल गए, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। फ्रैंकलिन ये मेरा ही घर है, यहाँ पर मैं नहीं मिलूंगा तो क्या तुम मिलोगी? अब ये सब छोड़, मुद्दे की बात बता, मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? दरअसल मैं बहुत ज्यादा टेंशन में चल रहा हूँ जी, मैंने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है। क्या तेरा बच्चा कब हुआ? अरे तुम वो छोड़ो ना, जरूरी ये है कि मेरा बच्चा किडनैप हो गया है। हाँ ये वैसे बहुत बुरा हुआ, मैंने तुम्हें यहाँ पर सिंपति के लिए नहीं बुलाया है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दरअसल जी मैंने खुद को गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया है, जिससे कि वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। मैं चाहता हूँ तुम उसके पास जाओ और उसे हरा कर मेरे बच्चे को वापस ले आओ। अरे यार मैं क्यों जाऊँ, तुम जा सकते हो, भले चंगे तो लग रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है? मैं टीवी वुमन को छोड़ के नहीं जा सकता। अच्छा ठीक है बता क्या करना है। मैं तुम्हें अपना सूट दूंगा, उसकी मदद से तुम जी मैन को हरा सकते हो। अच्छा ठीक है दे भाई, पता नहीं कैसा सूट मिलेगा। गाइस वो गाइस हम लोग टीवी मैन तो बन गए, पर इस टीवी मैन की टीवी काफी डब्बे वाले जमाने की नहीं है यार, मुझे तेरे जैसा बनाना, इससे मैं जीमैन को कैसे हराऊंगा? देखो तुम्हें मेरे जैसा नहीं, मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होना होगा, तुम्हें खुद को गोल्ड में अपग्रेड करना है, और तुम्हें तो पता ही होगा उसके लिए गोल्ड पॉइंट चाहिए। हाँ हाँ इतना तो पता है मुझे, चलो मैं जा रहा हूँ। शिनशान चॉप तुम लोग इसके घर पे रहना, मैं काम निपटा के आता हूँ। चलो गाइस अब सोचते हैं कि ओ भाई अबे वहाँ पानी पड़ा था क्या? चलो छोड़ो मैं कहाँ पर था, अभी हमें सोचना होगा कि गोल्ड पॉइंट कैसे जमा करे, कोई ना कोई तो तरीका होगा यार। एक मिनट, ये इतने जोर जोर से हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? लग तो ऐसा रहा है कि इसी साइड से आ रही है, जल्दी से जाके चेक करते हैं। गाइस यहाँ पर पक्का कुछ तो है। ओ भाई यार ये क्या? अबे नहीं यार आवाज नीचे रखनी होगी, वरना इन्हें पता चल जाएगा। यहाँ पर तो रॉकेट्स की बीडी, फायर ब्रीदर और ह्यूमंस की बीडी भी है, पर ये लोग कर क्या रहे? एक मिनट, वहाँ पर एक बच्चा भी है।
चलो इस बच्चे को खा लेते हैं। इसकी बिड़ी, इसकी बिड़ी। प्लीज मुझे मत खाओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसकी बिड़ी, इसकी बिड़ी, ऐसा कैसे इसकी बिड़ी? गाइस यार मुझे कुछ करना होगा। हे तुम लोग अभी के अभी रुक जाओ, ये सब यहीं पर रोको। इसकी बिड़ी, इसकी बिड़ी, ये गुस्ताखी किसने की इसकी बिड़ी? टीवी मैन। हाँ मैं हूँ। सबसे पहले तो उस बच्चे को जाने दो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। बच्चे बड़े प्यारे होते है, मुझे वो बहुत पसंद है इसकी बिड़ी। गाइस मुझे लगता है कि आज इन लोगों ने सोच लिया है कि शहर के सारे बच्चे उड़ाने, पहले टीवी मैन का बच्चा उड़ा लिया, अब इस बच्चे के पीछे पड़े। कोई बात नहीं, इस बच्चे पर बाद में आऊंगा, पहले तुम पर आता हूँ। टॉयलेट्स अटैक करो इसकी बिड़ी। अबे यार मैं मांडवली करने आया था ना, तेरी तो ये ले। अबे यार ये लोग तो एक साथ बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे, दूर हट और तू भी जा। एक को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। मानना पड़ेगा गाइस, हमारा पहला सूट है जो कि हमें फ्री में मिलता है, पर इसमें भी अच्छी खासी पावर है। तेरी तो ये ले, क्या उड़ के लात मारी है। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, और ये ले। ओहो यहाँ पर और भी है भाई साहब, इसको तो मुंह पे लात देते हैं। इन सब के चक्कर में ये लोग बच्चे को ना गायब कर दे। ये गया और ये है आखिरी। तेरी तो ये ले, क्या घुमा के मारा है, और ये फाइनल। हाँ चलो ये तो गए, अब जल्दी से जाके उस बच्चे को बचाना होगा। एक मिनट, अबे बच्चा कहाँ गया? अभी तो यही पर था और वो दोनों जन भी गायब है। एक तो पता नहीं इसको पीछे से कौन गुदगुदी कर रहा है। चुपचाप मुझे बता दे वो बच्चा कहाँ पर है, और फायर ब्रीदर कहाँ गया? वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इसकी बिड़ी। अबे यार ये तो ऐसे बताने से रहा, मुझे ढूंढना होगा। प्लीज मुझे इसके अंदर से बाल निकालो, मेरा दम घुटला है। ऐसे कैसे इसकी बिड़ी? तुम तो मेरे साथ चलोगे इसकी बिड़ी। अबे यार कहाँ रफू चक्कर। ओ भाई ये रहा, पर ये अपने साथ एक टॉयलेट लेके क्यों जा रहा है बताओ? एक मिनट, क्या ये उस बच्चे की आवाज थी? तेरी तो रुक। नहीं नहीं भाग के तो मैं उसका पीछा नहीं कर सकता, उसके पास तो टायर है। यहाँ पर कोई ना कोई तो गाड़ी होगी जिससे मैं उसका पीछा कर सकूं। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओ नहीं, अबे यार ये तो हम पर मिसाइल छोड़ रहा है। इसकी बीड़ी, मैं तो तुम्हें यही मार दूंगा। इसकी बीड़ी। बार बार बचा। अबे यार सबसे पहले तो इससे बचना होगा, फिर बच्चे को बचाऊंगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। रुका के नहीं, नहीं नहीं रुका है। इसको लग रहा है मैं दीवार के पीछे हूँ। मैं एक काम करता हूँ गाइस, अपनी रोप गन की मदद से उस सामने साइड चला जाता हूँ, और ये मैं चला। हाँ चलो वहां से तो निकला, और ऐसा लग रहा है कि इसको पता भी नहीं चला है। अब बस कैसे भी करके इसके पीछे पहुंचना है, और ये मैं चला। चलो फाइनली आ गए गाइस, अब एकदम आराम आराम से, और ये वो इसकी जात का। गाइस इसकी बीड़ी उतरो मेरे पीछे से। इसकी बीड़ी। देख मैं उतरने वाला नहीं हूँ, चुपचाप मुझे फायर ब्रीदर के पास लेकर चल। इसकी बीड़ी मैं ऐसा क्यों करूंगा इसकी बीड़ी? क्योंकि तेरा फ्लश बटन मेरे ही हाथ में है, अगर मेरी बात नहीं माना ना तो इसे दबा दूंगा। इसकी बीड़ी रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ इसका पीछा। इसकी बीड़ी, पर याद रखना तुम बचोगे नहीं। इसकी बीड़ी। अबे फिलहाल तेरी गर्दन मेरे हाथ में, तो चुपचाप जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। गाइस यार कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ जा सकता है वो? रहा ये कुछ ज्यादा स्पीड में नहीं निकल रहा है? देख जल्दी कर ले, अगर मुझे ऐसा लगा ना कि मैं गिरने वाला हूँ तो मैं तेरा बटन दबा के गिरूंगा। इसकी बीड़ी करता रहा हूँ। ऐसे तो काम नहीं बनेगा गाइस, क्या करूँ क्या करूँ। एक मिनट, ये मुझ पर मिसाइल छोड़ रहा था ना, तो फिर उस पर भी छोड़ सकता है। चुपचाप मेरी बात सुन, फायर ब्रीदर पर मिसाइल छोड़। बिल्कुल भी नहीं इसकी बीड़ी, ऐसा अगर मैंने किया तो मेरे मालिक मुझे मार देंगे। इसकी बीड़ी। पर अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे मालिक से पहले मैं तुझे मार दूंगा। जल्दी जल्दी कर, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, मेरा दिमाग खसक रहा है। हाँ छोड़ रहा हूँ ना इसकी बीड़ी, ये लो। नहीं नहीं मुझे बेवकूफ मत बना, तू जानबूझ के गलत जगह पर छोड़ रहा है। मैं कोई गलत जगह पर नहीं छोड़ रहा इसकी बीड़ी, वो एक जगह पर नहीं रुका हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है छोड़ते रहे, रुक मत। गाइस बस एक दो मिसाइल उसे लग जाए ना, अभी कर फायर। अबे यार फिर से बच गया, उसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही है। लग गई गाइस, मजा आ गया। अबे ब्रेक मारना। इसकी बीड़ी तुम पागल हो क्या? इसकी बीड़ी तुम्हें क्या लगता है ये कोई गाड़ी है? इसकी बीड़ी। अच्छा ठीक है जल्दी जल्दी पहुंचा इससे पहले के वापस से भाग जाए वो। हाँ चलो गाइस फाइनली। ओ अबे यार ये क्या कर रहा है, अंधा है क्या? छोड़ो गाइस पहुंच तो गए। रुक रुक कहाँ पर जा रहा है? मेरे पास भी है तेरे लिए कुछ, और ये खा। नहीं तो इसको लगा इसको मौका मिल गया भागने का। जरा देखो तो सही, ऐसा लग रहा है इसकी मशीन खराब हो गई है, ये तो हवा में अटक गया। चलो अब जाके देखते बच्चा सेफ है या नहीं। तुम ठीक तो हो ना, उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? अरे नहीं उसने मुझे कुछ नहीं किया, पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो लोना आला है। अरे ठीक है ठीक है, एक काम कर अभी यहाँ से जा, वरना वो फायर ब्रीदर वापस आ जाएगा। और वैसे भी गाइस मैं रोते हुए बच्चों को नहीं संभाल सकता, अब दूसरे वाले को ढूंढना
करना होगा। अबे कहाँ छुप के बैठा छछुंदर, सामने आ। स्किबिडी स्किबिडी, तुमने मुझे छछुंदर कहा, यहाँ पर आओ, तुम्हें तो मैं अपने टॉयलेट के अंदर डाल दूंगा। देख तेरे को जो करना कर, ये वाली चीज मत करना। एक तो तुम लोगों में से इतनी गंदी बात आती है ना, ये क्या बार बार काली बदबू छोड़ रहा है तेरी, तो ये ले। अब इसे मौका नहीं देंगे गाइस, वरना ये बहुत जल्दी गायब हो जाता है। ये देखो अंदर चला गया, तेरी तो बाहर निकल, बाहर निकल। ये लप्पा छुपी खेलने का टाइम है, क्या लात पड़ी है रे इसको। और ये ले, एक और कस के देते गाइस, सीधा मुंह पे पड़ी है लात। अबे इसका तो शट डाउन हो गया। और भाई साहब जरा देखो तो सही, हमें मिले हैं पूरे 10,000 गोल्ड पॉइंट्स। इसमें तो हमारा नया सूट आ सकता है, तो जल्दी से करते हैं ट्रांसफॉर्म। ये खोला मार्केट और अब हमारी टीवी पहले से थोड़ी तो पतली हो ही गई है। और जरा देखो तो सही, हमारे तो हाथ पैर दोनों सोने के हो गए। एक मिनट यार, ये फोन वाइब्रेट क्यों हो रहा है, ये कैसा मैसेज है। लॉस सेंटोस में होने वाला है रैम चैलेंज, जीतने वाले को भारी भरकम इनाम। ओके मुझे जल्दी जल्दी वहां पर पहुंचना होगा, इससे पहले कोई और पहुंच जाए। एक काम करता है, ये वाली गाड़ी लेके चलता हूं। दीदी रुको, आपका कुछ गिर गया है। अरे ऐसा भी क्या गिर गया। एक काम करो, बाहर निकलो और खुद ही ढूंढ लो। अरे पागल हो गई हो क्या, खुद की गाड़ी पे कूद रही हो। मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो दीदी सामने से कूदी थी। चलो गाइस अब जल्दी से वहां पर पहुंचते, जो होगा देखा जाएगा। देखो लोकेशन तो यही की थी, ये रहा वो एलिवेटर, मुझे लगता है यही हमें सीधा रैम के पास पहुंचाएगा। ओ भाई साहब, मैं खाली गाड़ी को टच किया हुआ, गाड़ी सीधी उड़ के आ गई, चली गई। अबे नहीं यार, ये क्या मुसीबत है। स्पीकर मैन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, तुम भी रेस में हिस्सा लेने आए हो। हाँ मैं रेस में हिस्सा लेने आया हूँ। तो जरा इसे ध्यान से देख लो, यही तुम्हारा ओपोनेंट है। अब यार क्या मुसीबत है। ये हराएगा मुझे। सोने के कलर के तो दस्ताने पहन के आया है। चलो छोड़ो, इस पर तो हंस के भी मतलब नहीं है। जाओ जाकर अपनी गाड़ी में बैठो। हाँ बैठ रहा हूँ। और ये सोने के कलर के नहीं है, असली सोने के। आया बड़ा, इसको ज्यादा घमंड नहीं चढ़ गया है। चलो गाइस रेस बस शुरू होने वाली है। जो लोग स्पीकर मैन की टीम में वो लोग कमेंट करो स्पीकर मैन ओपी, और जो लोग मेरी टीम में वो मेरे लिए कमेंट करो। चलो अब देखते कौन जीतता है। रेस तो शुरू हो ही गई है। ओ भाई साहब यार, ये तो स्टार्टिंग में आगे निकल गया। कोई नहीं ज्यादा भी नहीं निकला है, ये मिल गया मौका। एक तो ये बॉल्स बहुत हैवी है। अबे नहीं यार, इसकी तो मैं ये अभी हमें गिरा देता। मुझे लगा था मैं इसके आगे चला जाऊंगा। यहाँ पर अभी भी चांस है हमारे पास, जल्दी जल्दी चलते हैं। अबे यार ये इससे फूटा ही नहीं, पर हमने कर दिखाया। ये सब क्यों लगाते हैं यार यहाँ पर, एक तो जगह इतनी कम होती है, ऊपर से इनके वजह से गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। मानना मान तो मैं आगे आया हूँ। हटो 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 रास्ते से। दो प्रॉब्लम्स है, इनके वजह से जगह भी कम हो जाती है और मुझे आगे का कुछ दिखाई भी नहीं देता है। चलो कोई नहीं, आखिरी वाले थे। अब ये क्या फालतू गिरी है, ये व्हीकल्स यहाँ पर किसने रख दिए। एक तो ये इतना चिमट के चल रहा है ना। एक काम कर भाई, मेरे गाड़ी में आके बैठ जा, तू ही चला ले। चला अपने काम से काम रखो। मैं अपने काम से काम ही रख रहा हूँ। वैसे गाइस उसको भी जीतना है, वो बस आगे आने की कोशिश कर रहा था। पर ऐसी भी कोशिश अच्छी नहीं है ना कि सामने वाले को गिरा दो। आया तब भी कितना हंस रहा था, आपने देखा क्या। और जब से उस रॉकेट स्किबिडी को देखा है ना मैंने, हंसने वाले लोगों से थोड़ी सी नफरत हो गई है मुझे। एक तो ये रास्ते आड़े टेढ़े। ओ ये देखो फिर से आ गया। चलो मैं वहां से निकल नहीं पा रहा था, इसने टक्कर मार के मदद ही की है। ये हमें गिराने की कोशिश कर रहा था ना, अब हमारी बारी है। ये ले, स्टैचू की वजह से रुक जाएगा। अबे नहीं यार, उल्टा ये तो आगे आ गया। मुझे लगता है स्टैचू ठोकने के चक्कर में मैंने अपनी गाड़ी खुद ही स्लो कर ली। ये तो क्या रपाक करके उड़ा के गया यार। ओ भाई साहब नहीं, क्या बैलेंस हिलाए मेरा, अभी तो गिर जाता मैं। चलो फाइनली ये रास्ता तो खत्म हुआ, पर वो अभी भी मुझसे आगे, मैं ज्यादा दूर जाने नहीं दे सकता उसे। फाइनली मैं आगे आ गया हूँ। अबे नहीं 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 नहीं, गाड़ी गिर जाएगी। ओह बार बार बचाऊ मैं। भाई साहब दिल मुंह में आ गया था, पर वो फिर से आगे निकल गया। कोई नहीं, पहले भी पीछे किया, इस बार भी पीछे कर लूंगा। ये देखो उसकी गाड़ी पलट गई। अच्छा ठीक है, दूसरों का ज्यादा मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। चलो उसने तो सीधी कर ली है, इससे पहले टर्न लेके आगे निकल जाऊंगा। और ये, अबे यार ये बात बात पे आगे कैसे निकल जाता है, कुछ तो प्रॉब्लम है, ये चीटिंग वीटिंग तो नहीं कर रहा। नहीं नहीं इस बार मैं आगे निकला था, पर फिर से पीछे हो गया। चलो चलो ज्यादा दूर भी नहीं गया, ये रास्ता ही ऐसा था, वो जा भी नहीं सकता था। इस बार मैं पलटी नहीं खाऊंगा, तेरी तो हर बार क्या चांदी होगी तेरी। अब यहाँ तो चांस ही नहीं है कि वो मुझे ओवरटेक कर ले, क्योंकि अगर ओवरटेक करने गया तो सीधा जाएगा नीचे। और आप लोग तो देख ही रहे हो हम लोग कितने ऊपर है, जब तक वो वापस आएगा मैं ये रेस जीत चुका हूंगा। चलो चलो बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, मंजिल मेरे सामने। और यहाँ से टर्न, वो भी काफी नजदीक पहुंच गया यार। अब बस यहाँ से स्पीड भगाना है ताकि हम लोग सीधा प्लेटफॉर्म तक पहुंच सके। बस जीतने वाले। और ये जीत गए हम लोग, हमने पहले टच किया प्लेटफॉर्म को। और देखो वो आया, बड़ा हंस रहा था ना हम पे। क्या हुआ स्पीकर मैन। ओ भाई अबे चिड़कू, तेरी तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जाता कहां पर है, रुक। अबे भागता काहे डरपोक, हट्टू कहेगा। चलो कोई बात नहीं गाइस, इस रेस में जीत के हमें मिले हैं पूरे 1,00,000 गोल्ड पॉइंट्स। तो जल्दी से देखते हैं कि इसमें कौन सा सूट मिलता है। और ये खोला और ये बाय, ये काफी कूल है। इसमें हमारे पास स्पीकर भी है और टीवी
पानी भी है। पर चलो छोड़ो, अभी निकलते यहाँ से। अबे यार हवा में भी नहीं छोड़ते, अभी किसका फोन आ रहा है? जल्दी से उठा कर देखता हूँ। ये तो कैमरामैन है, पर ये अभी कॉल क्यों कर रहा है? हेलो फ्रैंकलिन, मेरी बात सुनो, तुमसे बहुत जरूरी काम है। मुझे टीवी मैन ने बताया कि तुम उसके लिए काम कर रहे हो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, फिलहाल मैं हालत में नहीं हूँ, तू बता काम क्या है। जी मैंने एक जगह खदान खुदवा रहा है, जिसका काम उसने ब्लेड्स की बीड़ी को दिया है। वो वहाँ से सोना निकाल कर खुद को और ज्यादा ताकतवर करना चाहता है। इससे पहले वो वहाँ से सोना निकाले, तुम वहाँ पहुँच जाओ। अच्छा ठीक है, फिलहाल तो मैं ढंग से नीचे पहुँच जाऊँ। अबे कुछ तो होगा पास में। ओह चलो गाइस, छतरी थी, आजकल ये छतरी बड़ा साथ दे रही है, शायद पोपटलाल इसलिए इससे इतना प्यार करता है। ओह भाई साहब, वहाँ उतरते सामने गाड़ी मिल गई, इसका मतलब ना गरीबी ना कोई आटा गिला, सीधा गाड़ी मिला। अब जल्दी से लेके पहुँचते वहाँ पर, बस कैमरामैन की लोकेशन सही हो, क्या पता जी मैन ने उसे गुमराह किया हो और वो उसके चक्कर में फंस गया हो और उसके चक्कर में हम भी फंस जाएंगे। देखो गाइस लोकेशन तो यही है, यहाँ तो काफी सारी मशीन लगी हुई है। भाई साहब इतने सारे स्किबिडी टॉयलेट्स, ये लोग यहाँ से सोना निकाले, इससे पहले मुझे इन्हें यहाँ से निकालना होगा। देख रहे हो फुल स्पीड में काम चालू है। स्किबिडी जल्दी जल्दी करो, स्किबिडी कर रही है, स्किबिडी। कैसे हो भाई लोग, कुछ मदद चाहिए तो मैं भी करवा सकता हूँ, तुम लोग बस हेल्प मांग के तो देखो। और ब्लेड स्किबिडी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो टीवी मैन? और ये क्या, तुम भी सोना चुरा के खुद को अपग्रेड कर रहे हो? ओ भाई चुराया नहीं है, खुद की मेहनत से कमाया है। मैंने चुराया क्या, मैंने कमाया क्या, मांगने को सोना मैं तेरे घर आया क्या? ए चुरा मत चुरा मत चुरा मत, सोना चुरा के तेरे को क्या मिला भाई? यहाँ पर अंताक्षरी नहीं चल रही है, मारो इसे। ओहो भाई साहब सेना छोड़ दी अपने पे, कोई नहीं इन्हें अभी वाइप आउट करते। आ जाओ बच्चों, तुम जैसे तो बहुतों को मारा है मैंने, जरा इस सूट की पावर आजमाए। भाई हम लोग सीधा टेलीपोर्ट होके इनके पास पहुँच सकते है, मजा आ गया यार, ये अच्छा था गुरु। चलो 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 आ जाओ मेरे पीछे, अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक साथ इन सबको लपेटे में लेंगे। बवंडर में बिजली के झटके खाओ, ये सब तो ओवर चार्ज हो गए, यही पर टपक जाएंगे। भाई यार ऐसा लग रहा था कि डिजाइन बन गई है, लग तो रहा है कि इन सब की पुंगी बच गई है, जरा एक दो पावर और यूज करे। ओहो हो अभी भी उठ रहे, तू मारी तो मैं ये लो, क्या रंग बिरंगी बिजली निकल रही है। चलो 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 चलो, फाइनली इन सबको तो खत्म कर दिया, अब वो ब्लेड्स की बीड़ी कहाँ पर गया? अबे खुदाई करके जमीन में घुस गया है क्या बाहर? मैं तुम्हारे जैसा डरपोक नहीं, ये लो। अबे यार इसकी ब्लेड बहुत ज्यादा ही तीखी है, क्या कसके लगी है? पहले तो इससे थोड़ा दूर भागू। ओप्स, अब आजा भाई, और ये ले। अबे कहाँ गायब हो गया? ये रहा, अब दूसरी पावर देखते हैं क्या यूज करूँ। ये थोड़ा हवा में उछलते हैं और ये ले गुप्पा। अबे ये बात बात पे गायब क्यों हो जाता है? ये रहा ये रहा ये रहा, इसे कहीं जाने तो नहीं दूंगा मैं, भाग नहीं पाएगा बेटा। और क्या क्या है हमारे मेन्यू में? लाइटनिंग स्ट्राइक, ये हमें अपने से दूर भगा रहा है, इसकी थोड़ी सी फट चुकी है। कोई नहीं, इससे मेरा गुस्सा और बढ़ रहा है, अब देख मैं क्या करता हूँ। ये ले, तेरा तो आज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। थोड़ा जल्दी बोल दिया। अबे रुक रुक, अबे यार मुझे जल्दी से कोई पावर यूज करनी होगी, ये ठीक रहेगा। आ गया कहाँ गया, अभी यही पर था, ये आ रहा है, अब दिखाते इसको गाइस। ले कैच कर, इसको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये चीज खत्म क्यों नहीं हो रही है। अब देते इसको थोड़ा जोर का झटका, कैसा लगा, मजा आई भी? लगता है गाइस इसका फ्यूज उड़ गया है, वोल्टेज थोड़ी ज्यादा हो गई। और जरा देखो तो सही, इसे मारने के हमें मिले हैं पूरे 1,000,000 गोल्ड पॉइंट्स, इसमें तो अच्छा खासा सूट आ जाएगा। जल्दी से देखते हैं क्या मिलता है। और ये भाई साहब, अब हमारे पास 5 टीवी मैन है, सॉरी 5 टीवी है, टीवी मैन तो एक ही है। अब चलते हैं यहाँ से, हमें और भी बहुत सारे काम है। पता नहीं वो टीवी मैन का बच्चा कहाँ पर होगा। चलो गाइस अब जाके जल्दी से जी मैन को ढूंढते हैं, क्योंकि वो बच्चा भी तो उसके पास ही है। मेरे रेडार में कहीं से तो बहुत ज्यादा पावर सोर्स आ रहे हैं, जी मैन पक्का वहीं पर होगा। भाई साहब मौसम भी साफ हो गया है और मुझे लग रहा है मैं थोड़ा ज्यादा आगे आ गया हूँ, फिर से पीछे चलना होगा। ये देखो वो रहा गाइस, अब फटाफट नीचे उतरते हैं। कैसा है दोस्त, हम दोनों तो बिल्कुल सेम टू सेम लग रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने भी खुद को गोल्ड में अपग्रेड कर दिया, पर इसका तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। देख फायदा नुकसान मैं अपना खुद देख लूंगा, तूने पहले जिनको किडनैप किया ना उनको छोड़। अच्छा कही तू इसकी तो बात नहीं कर रहा, पर जरा यहाँ पर भी नजर घुमा ले। गाइस टीवी मैन भी पकड़ा गया। ओ भाई साहब मेरा ध्यान उसकी तरफ था, फायदा उठाता है। एक बार खड़ा होने दे फिर बताता हूँ, अब ये नहीं बचेगा मेरे हाथ से। जल्दी से जाते इसके पास, तेरी तो ये ले। आज यार मैं लाख कमाल की मार रहा हूँ। और ये ले धमाका, ये गोल्ड अपग्रेड तो पहले के नॉर्मल अपग्रेड से बहुत ज्यादा अच्छा है। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, ये खाओ। ओ आउच भाई साहब, इसकी तो मैं कहा गया। ओ पीछे से वार करता है। अबे कायर हिम्मत है तो आगे से आता। अब तो आगे से आ रहा हूँ ना, रोक के दिखाओ। तो फिर ये ले, क्या मिसाइल से
इसके पास। वो फिर से खड़ा हो गया। कोई बात नहीं, कहा जाता है यहाँ पर आ। अब जरा लेजर का इस्तेमाल किया जाए। बेचारे की हालत खराब हो गई है गाइस। अब लगाते अपना पूरा दम और ये ले, और ये गया। गाइस मुझे लगता है इसकी पुंगी बच चुकी है। अब नहीं, मुझे टीवी मैन और उसके बच्चे को भी बचाना है। वो लोग अभी भी उस पेड़ से लटके हुए होंगे। फटाफट पहुँचते वहाँ पर यार, यही कहीं होने चाहिए। इसी पेड़ से लटके थे ना वो रहे। टेंशन मत लो भाइयों, मैं आ चुका हूँ। अब जल्दी से नीचे उतारते हैं। तुम दोनों ठीक तो हो ना? ज्यादा चोट वोट तो नहीं आई? नहीं, हमें कोई चोट नहीं आई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अले दला पीते देखो। अरे बाप रे, ये क्या क्या हो गया? ऐसा क्या देख लिया? ओ भाई, अबे यार अभी तो इसको हराया था, ये तो अपना साइज डबल करके आ गया है। देखो गाइस, थोड़ी देर पहले मैंने इसकी पिटाई की थी जिसके वजह से मुझे 10 मिलियन पॉइंट्स मिले, तो इसमें कोई ना कोई अपग्रेड मिल ही जाएगा। जल्दी से देखते है। और ये भाई साहब, एक जाइंट गोल्डन टीवी मैन। अब आजा, मानना पड़ेगा तुम टक्कर का मुकाबला दे रहे हो। टक्कर का तो मत ही बोल, थोड़ी देर पहले तुझे धोबी पछाड़ दिया था, तो अब तुम खाओ। भाई साहब यार, क्या पड़ा है। कोई नहीं, हम थोड़ी ना कम है। अब ये ले। अब यार इसके पास तो लेजर भी है, हमारे पास नहीं है। क्यों? छोटे वाले वर्जन में तो थी। नहीं, है। मैं समझ ही नहीं पाया कि इसको इस्तेमाल कैसे करते थे। वैसे पता इसको भी है भाई साहब, घुमा के देता हूँ। ये ले, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों भाई, बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ, पड़ी तो जोरदार रहेगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ चलो, झूठ मत बोलो। मैंने बोला कुछ नहीं हुआ। तो इससे होगा यार, फिर कुछ नहीं हुआ। अब तू गया। इसकी तो मैं ये खा। अबे बिल्डिंग के पीछे क्यों छुप रहा है? मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। वो तो मुझे दिख ही रहा है। और गाइस ये तो उल्टा ही हो गया है, सीधा क्यों नहीं हो रहा है? लगता है इसकी बैंड बज गई। हाँ चलो, फाइनली खत्म हुआ। अब मुझे लगता है हमें भी नॉर्मल रूप में आ जाना चाहिए। काफी भारी भारी सा महसूस हो रहा है।